hello friends welcome back to my youtube channel its name is pass coaching channel today we are going to discuss the new topic binary operation of chapter 1 relation and function one more thing if you have any doubt related with the maths or any commerce subjects, then please contact on my personal WhatsApp number 985517939. We are here to help you at any time. So send me your doubts or any caution on this WhatsApp number. So now we are going to start our topic: binary operation. What is binary operations? भी एक फंक्शन की तरह होता है ए फंक्शन एफ ए टू ए मतलब जो सेट यहाँ पे है वही सेम सेट का पार्ट यहाँ पे होगा वेयर ए कोई भी सेट हो सकता है इसे हम यूनिटरी ऑपरेशन यूनिटरी मतलब सेम ऑपरेशन बोलते हैं इन द सेंस एन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू ईच सिंगल्टन सबसेट ऑफ ए अगर आप कोई भी इनपुट देते हो तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक सिंगलटन मतलब सिंगल नंबर आएगा और वो क्या होगा सबसेट ऑफ ए जो आपका स्टार्टिंग में ए एक सेट होगा वो क्या होगा आपका हमेशा मतलब जैसे कोई भी आप ए सेट लेते हो जो इसमें इनपुट दोगे आप जो आउटपुट आएगा वो ए क्या होगा सिंगल सबसेट मतलब सिर्फ एक सिंगल सेट का जो एलिमेंट है वही आएगा आपका और जो आपका जो स्टार्टिंग वाला है डोमेन डोमेन आपकी टू डायमेंशनल होगी याद रखना बायनरी ऑपरेशन में डोमेन मेरी टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल मतलब क्या होता है जैसे ए आप कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हो जिसे ए मतलब जो भी आप एंट्री दोगे वो एक ऑर्डर पेयर में होगी बट जो आंसर आएगा वो एक सिंगल नंबर आएगा वो नंबर कुछ भी सकता है उसके लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं या तो दोनों के बीच में प्लस का साइन माइनस का डिवाइड का मल्टीप्लाई का कोई भी ऑपरेशन हो सकता है इस तरह क्या है हमारी जो डोमेन है वो क्या होगी कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगी और जो कोडमेन है वो एक सिंगल सेट होगा मतलब क्या होगा जो इनपुट आप पेयर में दोगे आंसर एक दोगेटन सबसेट आएगा गिवन सेट का इस तरह जो ऑपरेशन के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं उसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं जैसे मैंने ए क्या ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर अब एफ क्या है अब देखिए आर क्रॉस आर मतलब आप क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर ठीक है ना तो आर स्केयर मतलब इनपुट जो है मैं टू डिमेंशनल में दूंगी मतलब टू टपल में ऑर्डर पेयर में दूंगी ठीक है एक्स वाई बिकॉज यहां पे टू है अगर सपोज कोई फंक्शन आपका ऐसे हो आर टू आर तब आप ऐसे लिखते होते हो एफ एक्स इज इक्ल टू वाई एक्स यहां से होता है वाई यहाँ से देखो यहाँ पे सिंगल आर तो है तो मैंने सिंगल इनपुट दिया आर की पावर टू है तो टू मतलब ऑर्डर पेयर में मैंने इनपुट दिया है बट कोड में सिंगल रहा है तो आपका जो एलिमेंट है वो एक सिंगल नंबर आएगा जहां पे मैंने ऑपरेशन एडिशन का यूज किया है कुछ भी हो सकता है जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ रियल नंबर लेना मतलब एक्स भी रियल है वाई भी रियल है क्यों आर का मतलब क्या होता है आर आर, तो एकस, वाई मतलब एक्स भी रियल लेना है वाई भी रियल लेना है एक्स पहले वाले सेट में से होगा वाई दूसरे वाले सेट में से होगा तो मैंने कोई नंबर ले, ले लिया जैसे एक्स मैंने ले लिया माइनस वन वाई मैंने ले लिया, लिया फोर अब पुट करो एफ एक्स की जगह माइनस वन वाई की जगह फोर इजिकल्स टू एक्स की जगह माइनस वन प्लस वाई की जगह फोर तो एफ माइनस वन कोमा फोर इजिकल्स टू थ्री देखो हमने बात क्या की थी हम जो भी एलिमेंट पुट करेंगे वो क्या होगा ऑर्डर में होगा पेयर में होगा बट जो आंसर आएगा एक टर्न सबसेट आएगा अब जो थ्री देखो एक सिंगल नंबर है और थ्री क्या रियल नंबर का ही एक पार्ट है ठीक है ना तो थ्री किसका सबसेट हो गया आर्स क्या का सबसेट। तो ये होता है बाइनरी बाइनरी याद रखना है जो आपने डोमेन इनपुट देनी है वो ऑर्डर पेयर में होगी बट इनपुट जो आपका एक सिंगल आंसर आएं, आएगा सबसेट होगा वो गिवन सेट का हमेशा यहाँ पे टू डायमेंशन मतलब टू टपल का इनपुट होगा अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ आपको नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी बान्यूप्रेशन मतलब बाइनरी बान्यूपेशन क्या क्या प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, closure property. Closure property क्या होती है है जो भी आपका starting में A set given है. तो मैंने मैंने उसके उसके कोई दो element पिक कर ली A, B, मैंने पिक कर लिए और ऑपरेशन को ना मैं स्मॉल ओ से डिनोट कर रही हूँ ऑपरेशन स्मॉल ओ से डिनोट कर रही हूँ ये ऑपरेशन कुछ भी सकता है प्लस का माइनस का डिवाइड का मल्टीप्लाई का एंड एक हमने कॉम्पोजिशन भी किया है तो कॉम्पोजिशन भी हो सकता है बट ये ओ का मतलब कॉम्पलिशन नहीं है ये ओ ऑपरेशन है ये ऑपरेशन मतलब ओ कुछ सकता भी सकता है प्लस भी सकता है माइनस हो सकता है डिवाइड भी सकता है मल्टीप्लाई सकता है ओ कॉम्पलिशन भी सकता है मतलब अगर मैंने कोई भी दो नंबर ए सेट में लिए उस पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो जो आंसर आए वो भी मेरा ए में हो ठीक है ना मतलब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ली थी ठीक है ना यहाँ पे मैंने एक्स वाई की बात की मतलब अगर मैंने एक्स ये मैंने ये में से लिया है ए मेरा क्या था सेट ऑफ रियल नंबर देखिए तो ये दो नंबर रियल है इस इसपे मैंने इनपुट दी ऑपरेशन लगाया ऑपरेशन इस पे यहाँ पे एडिशन का था जो मेरा आंसर आया देखिए वो भी एक रियल नंबर ही है ना मतलब मेरा इनपुट दी वो भी मैंने आर में से दी आउटपुट भी मेरा क्या आर में आया तो मतलब ए मेरा आ रही था तो इट मीन्स ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बस आपने ये याद रखना है आपका ए सेट क्या गिवन है जो भी ए गिवन हो एक्स वाई या ए बी उसी में से लेने हैं ऑपरेशन देखना प्लस का माइनस का डिशन का सब्ट्रेक्शन का कुछ हो सकता है वो अप्लाई कीजिए दोनों पर जो आंसर आ रहा है वो भी ए में जाए अगर ये ए, ए में नहीं जा रहा तो आप बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ठीक है ना नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती होती है है ये तीन नंबर के बेस पे आप कोई मर्जी ए के तीन नंबर लीजिए उस अपने आपने क्या प्रॉपर्टी ले है मतलब पहले आप इन दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे फिर जो आंसर आएगा उस पे ए प्रॉपर्टी मतलब ये पहले वाला नंबर क्या अप्लाई कर दोगे ठीक है ना और फिर आप क्या है पहले यहां पे ब्रैकेट ऐसे आएगी ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म मतलब आप पिछले दो नंबर पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे फिर फर्स्ट वाली एज इट इज फिर पिछले पहले दो नंबर पर पिछले वाला एज इट इज ये हम मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताऊंगी कैसे इसको सोल्व करना है नेक्स्ट टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब अगर आपके पास कोई बनी ऑपरेशन है वो कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एनी ज ई कोडेंटिटी एलिमेंट बोलते ऑपरेशन का सच दिक एलिमेंट, एलिमेंट, एल एलिमेंट क्या होता है जीरो जैसे मैं ए को जीरो में प्लस करूं तो ए आएगा चाहे जीरो में ए प्लस करूँ तो ही आएगा ये हमारी कौन सी होती है राइट हैंड साइडेंटिटी ये लेफ्ट हैंड में मेडेंटिटी जीरो होती है में आप कैसे लिख सकते हो वन बिकॉज वन अजिहा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करो वो खुद आ जाए तो डेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आप ऑपरेशन लगाओ किसी भी नंबर पर तो वो सेम एलिमेंट आ जाए ऑपरेशन देखो जैसे प्लस में डेंटी एलिमेंट जीरो है और मल्टीप्लाई में डेंटी एलिमेंट वन होता है अब लास्ट प्रॉपर्टीज है पहली है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट आप सेट ए में से लेते हो तो उसे हम जैसे मैंने कोई ए एलिमेंट सेट में लिया इसका मैंने इनवर्स निकालना है तो किसी भी एलिमेंट जैसे बी को मैं A का इनवर्स कब बोलूंगी जब उस पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करू कोई भी ऑपरेशन चाहे दोनों का मैं एडिशन करूं दोनों का सब्ट्रेक्शन करूं मल्टीप्लाई करूं डिवाइड जैसे आपको पता है एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है ठीक है ना तो आप कोई भी नंबर ले रहे हो जैसे एडिशन में मैंने ए लिया बी क्या करूंगी प्लस तो जोटी एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ए तो अब क्या ऑपरेशन जो, जो भी आपको गिवन है इजिकल्स टू कौन सा एलिमेंट रखोगे ऑपरेशन देखने है. अगर प्लस है तो जीरो रख दोगे अगर मल्टीप्लाई तो वन बिकॉज ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो प्रॉपर्टी क्या होगी फर्स्ट जो गिवन एलिमेंट है उसके साथ आपने ओपरेशन लगा के दूसरा एलिमेंट लिखना है चाहे दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन तो लगा के पहले एलिमेंट लिखो तो दोनों को जो आंसर आए आए वो एलिमेंट तो दोनों को सोल्व करके जीरो आंसर आना होता है इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो बी को क्या बोलोगे बी जो है आपका ए का इनवर्स बन गया कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है दो एलिमेंट को कम्यूट कराना मतलब फर्स्ट को चाहे सेकंड के साथ करो सेकंड को चाहे फर्स्ट के साथ ऑपरेशन लगाओ ऑपरेशन कोई भी अगर मैं प्लस में बोलू तो ए प्लस बीजिकल्स टू बी प्लस ए माइनस में बोलू ए माइनस बीजिकल ए अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलू ए मल्टीपाई बीस ए डिवाइड में अपोन बी इजीकल्स टू बी ओवर ए अगर ये लेफ्ट से राइट दोनों इक्वल आ जाए देन आप बोलोगे जो आपका ऑपरेशन है वो क्या हो गया कम्यूटेटिव ये इसकी पांच प्रॉपर्टी थी पहली हमने कौन सी की थी क्लोजर देन एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट उसके बाद इन वॉज देन कम अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन ऑन एन मतलब जैसे मैं आपको बताऊं जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन है ना तो मैंने इसको ये नाम दे दिया अब मैपिंग कैसे होगी एन क्रॉस एन से एन तक मैंने बताया हुआ है इधर कार्टिजन प्रोडक्ट है इधर सिंगल नंबर ऑन एन बोला तो सभी एन नंबर ही आएंगे मतलब ए हमारा यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और डिफाइन कैसे किया हुआ है हमारा ए स्टार बी इजिकल्स टू एलसीएम ए बी मतलब कोई भी इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट उन दोनों का एलसीएम आएगा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइव स्टार सेवन इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे ए की वैल्यू फाइव है पिछली वैल्यू बी की होती है बी की वैल्यू सेवन यहाँ पे पुट कर दो फाइव स्टार सेवन अब इधर मतलब जो यहां पे इनपुट दी है वहां पे ही रख देना है की जगह फाइव बी की जगह सेवन अब फाइव एंड सेवन एलसीएम क्या होता है थर्टी फाइव होता है इट मीनस फाइव स्टार सेवन की वैल्यू क्या होगी थर्टी फाइव क्वेश्चन खत्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेफ्ट स्टार भी हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दी सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर कहने का मतलब जो भी आप ऑपरेशन uh, लगाओगे उसमें सभी अपने नंबर इनपुट कौन से देने नॉन जीरो रियल नंबर जीरो को छोड़ के कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी तो गिवन जो हमें सबसे पहले मैंने स्टार ऑपरेशन बनाया है वो मेरा ए सेट क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो नॉन जीरो बोला मतलब जीरो को छोड़ के जी पहले मैं इसको लिख दू ये है ऑपरेशन इधर का टीजन पर सिंगल और हमें क्या है अगर कोई भी आप दो इनपुट देते हो उस उसपे ऑपरेशन लगाते हो तो आंसर क्या आएगा ऊपर दोनों की प्रोडक्ट नीचे 5 के पहले रखो 1, पीछे बी की वैल्यू टू फिर बट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है हमें क्या बोला हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स ये इक्वेशन गिवन है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहले मैं गिवन इक्वेशन लिख लेती हूँ देखो सबसे पहले बॉर्ड ऑफ मास रूल मतलब सोल्व करो टू स्टार एज इट इज ऑपरेशन क्या बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड पे जब ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो फर्स्ट सेकंड के मल्टीप्लाई डिवाइड फाइव फर्स्ट मेरा एक्स है ये मेरा फाइव है मतलब ऊपर तो दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे क्या जाएगा फाइव टेन फाइव के साथ फाइव कैंसिल तो ये बच गया एक्स अब इन दोनों नंबर पे ऑपरेशन ऑपरेशन बोलता है ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो दोनों की मल्टीप्लाई नीचे क्या जाएगा फाइव कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई ये टू एक्स ये उधर चल के मल्टीप्लाई का टू एक्स की वैल्यू फिफ्टी तो एक्स की वैल्यू फिफ्टी डिवाइड टू मतलब हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी फाइव आ गई ये आंसर है बस आपने ये देखना है कौन सा आपको डोमेन जो भी गिवन है ये है ये मेरी ए तो है ये लिख ली तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कार्टिजन प्रोडक्ट टू सिंगल ये लिख लिया फिर जो ऑपरेशन ये ऑलवेज डिफाइन होगा समझना है पहले क्या है इन दोनों की प्रोडक्ट नीचे डिवाइड फाइव मतलब पहले पे जो नंबर आया दूसरे पे नंबर आए ऊपर दोनों के मल्टीपल नीचे फाइव ये ऑपरेशन पहले यहाँ पे अप्लाई किया फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन देखिए लेट स्टार बाइन ऑपरेशन है ऑन एन ऑन एन मतलब पहले हम ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं मतलब ए हमारा यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है पहले कार्टेजन प्रोडक्ट देन सिंगल सेट फिर ए स्टार बी हमें क्या डिफाइंड है ए स्टार बी डिफाइंड है कि आप कुछ भी दो नंबर इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या दोनों के एल्सियम एल्सियम ऑफ ए एंड बी तो इसको ऐसे लिख दीजिए प्रूफ करना है ये इक्वेशन इक्वल है अब देखिए ये सेम ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है देखो पहले दो नंबर की ऑपरेशन फिर तीसरा नंबर टू पहले को छोड़ दे पिछले दो के ऑपरेशन देखो ठीक है ना तीन नंबर पे जो ऑपरेशन अप्लाई होता है उसे हम कौन सा बोलते होते हैं बाइनरी सॉरी एसोसिएटिव ऑपरेशन पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रही हूँ बोर्ड मासू ब्रेक्ट सोल करो हमें पता है ए स्टार बी हमें क्या गिवन है एलसीएम ऑफ ए बी तो ए स्टार बी ट्वेंटी सिक्सटीन तो यहाँ पे लिखोगे एलसीएम किसका 2016 का पीछे ऑपरेशन एज इट इज 2016 का आप जब एल्सियम निकालोगे तो जे आ जाएगा 320 पिछला एज इट इज सेम बात दो नंबर के बीच में ऑपरेशन आ गया तो इसको लिखेंगे एल्सियम दोनों नंबर जब आप इन दोनों का एल्सियम लोगे तो ये आ जाएगा 2560 ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है ट्वेंटी ऐसे रखना है पीछे दो पर ब्रैकेट लगा दो ये मेरा ट्वेंटी स्टार इज दोनों ऑपरेशन बोलते हैं एल्सियम लो दोनों नंबर को रखो सिक्सटीन और एट का एल्सियम क्या आ जाएगा वन अब दोनों पे ऑपरेशन है ऑपरेशन हटाओ इसकी वैल्यू पट करो एल्सियम ऑफ ट्वेंटी एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट इसका जब एल्सियम तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी तो मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो ये हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होगी प्रूव होगी मतलब ऐसे सोल्व करना है पहले ब्रैकेट सोल्व करो जो है सपोज यहाँ पे हमारा होता है ए प्लस बी तो यहाँ पे आप दोनों का प्लस करते हैं जो ऑपरेशन डिफाइंड है आपको वो उस ऑपरेशन को हटा के बस लिख दो पिछले वाला एज इट इज बस ऑपरेशन को सोल्व करो फिर यहाँ पे पहले वाला एज इट इज लिखो इस ऑपरेशन को सोल्व कर लो लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अदरवाइज डज नॉट होल्ड हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जो स्टार ऑपरेशन है ये क्यू ऊपर है मतलब पहले कार्टिजन प्रोडक्ट फिर सिंगल सेट ठीक है डिफाइंड किस तरह अगर दो नंबर पर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है थ्री ए बी ओवर फाइव इसको कैसे बोलोगे क्या करना है सबसे पहले दोनों नंबर की करो प्रोडक्ट फिर इसको मल्टीप्लाई करो थ्री के साथ जो आंसर आ जाए उसको फाइव के साथ डिवाइड कर दो ये ऐसा बताया हुआ है बोला क्या है आपने क्या प्रूफ करना है इसे ऑपरेशन बोलते हैं ऑपरेशन को कम्यूटेटिव प्रूफ करना है एसोसिएटिव भी प्रूफ करना है एज वेल एज ये हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पहले ये दोनों हम शो करेंगे कि दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है देन फिर इसका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना अगर एग्जिस्ट करता है सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव क्या कहता है आपने ये प्रूफ करना है कि पहले के साथ दूसरे का ऑपरेशन लगाऊ चाहे दूसरे के साथ पहले का ना ए स्टार बी क्या बोलता है ए स्टार बी बोलता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो पहले दोनों की प्रोडक्ट करो फिर थ्री के साथ मल्टीपल फाइव से डिवाइड तो ये हो गया ठीक है अब मैंने क्या करना है बीस स्टारे एक बार लेफ्ट साइड में लिख लो बीस स्टार ए होगा क्या बी स्टार ए मतलब थ्री पहले जो नंबर आता है पहले वो लिखो फिर दूसरा नंबर डिवाइड फाइव बी स्टार ए ये बनेगा बी स्टार ए क्यों पहले दोनों नंबर की करनी थी मल्टीपाई टू तो बी मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड मतलब हमने ये बनाना है प्रोडक्ट में चाहे ए को बी के साथ करो बी ऐसा को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इट मीन इसे मैंने लिख दिया थ्री बी एवर फाइव जस्ट ए बी को बी ए कर दिया ये किसकी वैल्यू है बी स्टार ए की तो आप लिख दोगे ए स्टार बी इजिकल्स टू बी स्टार ए इट मीन ये क्या हो गया हमारा जो ऑपरेशन है स्टार वो क्या हो गया कमुटेटिव किस पे ऑन सेट ऑफ फैशन नंबर क्या ऑफ फैशन नंबर बोलते हैं सेट ऑफ फैशन नंबर सॉरी एसोसिएटिव के लिए आपको तीन नंबर चाहिए ए मेरा सेट ऑफ फैशन नंबर तो मैंने तीन नंबर इसमें से ले लिए ये सबसे पहले होता है ए स्टार बी स्टार सी अब हमें बोला है अगर दो नंबर लेते हो पर दोनों की मल्टीप्लाई करो फिर थ्री आगे लगा दो डिवाइड फाइव ठीक है जी हो गया अब आपका पहला नंबर ये है सेकंड नंबर ये है हमें बोलते क्या है कि आप कोई भी नंबर पुट देते हो पहले फर्स्ट सेकंड क्या करो मल्टीप्लाई ये मेरा फर्स्ट नंबर है तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई कर दो सेकंड नंबर फिर क्या करना तो इसके आगे लगा दो थ्री जी थ्री भी लगा दिया डिवाइड कर दो फाइव के साथ जी फाइव के साथ डिवाइड भी कर दिया अब सिंपल है थ्री थ्री इज नाइन ऊपर आ गया ए बी सी फाइव को फाइव के साथ कर दो मल्टीप्लाई तो ये मेरा ये बन गया अब मैं राइट हैंड साइड वो क्या बोलते हैं ए स्टार एज इट इज पीछे बी स्टार सी पे प्रोडक्ट अब आपने क्या करना है इस प्रोडक्ट को ओपन करना है अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी क्या करनी होती है फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या करो मल्टीप्लाई मतलब बी सी आगे लगा दो 3 ये आ गया 5 ये मेरा फर्स्ट नंबर ये मेरा सेकंड फिर बता दो ऑपरेशन क्या कहता है फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई आगे लगा दो 3 और डिवाइड 5 3 3 इज 9

आगे इन इन दो दो को को आप पिक कर लीजिए से ई e की वैल्यू निकालो मैंने इन दोनों को इक्व रख के साथ ए कैंसिल यहाँ पे रहेगा थ्री ई ओवर फाइव इजिकल्स टू वन ये उधर जाके उल्ट जाएगा तो ई e की वैल्यू फाइव बाई थ्री जो भी आपका डेंटिटी एलिमेंट आता है वो गिवन सेट में होना चाहिए हमारा स्टार्टिंग में सेट क्या था स्टार्टिंग में सेट जो था हमारा नंबर था तो जो मेरी ई की वैल्यू आ रही है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में आ रही है तो मेरा डंटी एलिमेंट क्या आ गया फाइव बाई थ्री कभी आप कुछ भी करना हो तो पूरी आपकी प्रॉपर्टी लिख लो फिर जो भी आप दो चाहे आप ये वाला पार्ट उठा लो ये वाला पार्ट सोल्व करके ई की वैल्यू निकालो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा सिमिलरली अगर इनवर्स बोल दे तो यहाँ पे क्या जाएगा बी तो बस वहां से आप बी की वैल्यू निकाल लो तो इसे इनवर्स बोल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं पर कंप्लीट होता है तो अब हमारा जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है बट अब जाइएगा नहीं प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ वो आप पहले इन वीडियो के चारों क्वेश्चन को अच्छे समझे फिर वो क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना ये टॉपिक समझ आया है फ्रेंड्स ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द से ज्यादा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पोस्ट करके इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो ब्लू में आंसर लिखा है ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर ये है ये थर्ड क्वेश्चन ये एच सी एफ है हाइस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मैंने आपको एलसीएम वाला सिखाया था फोर्थ क्वेश्चन में ये आपने दो वैल्यू फाइंड करनी है स्टार बी ऑपरेशन गिवन है बताने कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स ये सभी आपने प्रॉपर्टी लिखनी है पहले फिर लेफ्ट राइट देखना इक्वल आ रहा है या नहीं आ रही आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने अभी निकालना सिखाया था सिमिलरली ये inverted, मतलब ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है ए स्टार बी इज इक्ल्स टू ई इजिकल्स टू बी स्टार है वहां से आपने बी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना इससे आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी पता चल जाएगा कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है थैंक यू फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है